फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जब सर्दी हो ज्यादा तो अपनाएं ये घरेलू उपाय। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से मेकअप, ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिन्हें अपनाकर आप हमेशा खूबसूरत और फिट रह सकती हैं। प्याज को तवे पर भूनकर खाने से शरीर को अतिरिक्त गर्मी मिलती है जिससे सर्दी कम लगती है। इस भुने हुए प्याज में थोड़ा सा नींबू तथा सेंधा नमक मिलाकर रोटी तथा चावल के साथ खा सकते हैं। पान के पत्तों को खाने से भी सर्दी कम लगती है। इस प्रयोग में एक टब में गर्म पानी लेकर अपने पैरों को डुबा लें और इसके बाद एक जोड़ी सॉक्स को ठंडे पानी में डुबा लें और इन सॉक्स को निचोड़कर पहन लें तथा इसके बाद एक जोड़ी मोटी सॉक्स को उनके ऊपर पहन लेना है। गीली सॉक्स पैरों में रक्त प्रवाह को बढ़ा देती है जिससे शरीर जल्दी गर्म हो जाता है। प्याज की माला बनाकर उसको गले में पहन लेने से भी सर्दी से बचा जा सकता है। गाय का ताजा गोबर छाती पर क्रॉस के आकार में लगाया जाए तो इससे भी सर्दी से आराम मिल जाएगा। अदरक के अंदर थर्मोजेनिक के गुण पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए उचित माने जाते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए अदरक की चाय का भी प्रयोग किया जा सकता है। दालचीनी भी शरीर को गर्म रखने के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इसका प्रयोग खाने तथा चाय के साथ किया जा सकता है। सर्दियों में एक चम्मच शहद खाने से सर्दी से बचा जा सकता है। लहसुन उच्च कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है तथा शरीर में गर्मी को बनाए रखता है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी से बचा जा सकता है। एक कप गर्म पानी में 5-7 पत्ते तुलसी के डाल लीजिए तथा इसमें अदरक के एक टुकड़े को डालकर इस मिश्रण को उबाल लेना है। इस काढ़े का सेवन करने से भी सर्दी से बचा जा सकता है। बाजरे की रोटी खाने से शरीर में गर्मी आती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स, जब सर्दी हो ज्यादा तो अपनाएं ये घरेलू उपाय। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेकअप, ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से संबंधित आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकती हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।